कहा कोनो जात पा कहा कोनो जात पा आसन ही आसियर तो गज आज के इस वीडियो में एलाइट मोशन ट्यूटोरियल लाए हैं जो कि अपने डेमो में देख चुके हैं, ठीक है। तो वो उस प्रकार के स्टेटस एडिटिंग करने वाले हैं, वो अभी अपने मोबाइल के एलाइट मोशन के द्वारा, ठीक है। तो कैसे कैसे करना है बहुत ही इजीली तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि एक भाई साहब का कमेंट आया था कि भाई इस प्रकार का आप एडिटिंग करके दिखाइए मेरे को वाइट मतलब ब्रश इफेक्ट से, ठीक है। क्योंकि मेरा एक दो वीडियो बना चुके हैं पहले, बट उसमें ग्रीन टेम्पलेट था, ठीक है, ब्रश वाला, बट मतलब वाइट आने के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है मतलब किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो आइए आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, एलाइट मोशन को ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देन इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर प्लस के मार्क पर क्लिक कर देना है सिंपली से, देन आपको यहाँ पर जस्ट लेना है रेशियो ना, यही लेना है 16:9, और देन यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक। क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है, ठीक है। अब आ जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे प्लस के मार्क पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ से एक वीडियो करना है ऐड, मतलब जिस वीडियो को आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे उस वीडियो को आप कर सकते हैं ऐड, ठीक है। तो चलिए पहले हम वीडियो को ही कर लेते हैं ऐड, ठीक है। अब यहाँ से एक वीडियो लाएँगे, वीडियो लाने का प्रेस देखिए यहाँ पर इमेज एंड वीडियो लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको यहाँ पर व्यू एल पे आ कर यहाँ से आपको वीडियो को ले लेना है, ठीक है। तो मैं वीडियो ले लेता हूँ भाई लोग। सो गाइज किधर गया मेरा वीडियो, जी वीडियो यहीं पे होना चाहिए। सो फाइनली गाइज हमारा वीडियो यहीं पे है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं वाला वीडियो को हम करेंगे ऐड, ठीक है। तो क्लिक किए यहाँ से प्लस के मार्क पे क्लिक करेंगे, ये आ गया वीडियो, ठीक है। और इसको साइड में हम लगा लेते हैं अपने हिसाब से, मतलब जितने पर रखना चाहेंगे, तो इतने पर मैं रखना चाहता हूँ तो इतने पर रख लिया, ठीक है। सो मान लीजिए कि इतने पे कहीं भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे प्लस के मार्क पे क्लिक कर देना है, इमेज एंड वीडियो में आ जाना है, और यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ब्रश वाला है, यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देंगे तो ये आ गया, ठीक है। और इसको छोटा करेंगे, सो फाइनली गाइज देखिए छोटा करते हैं। छोटा कर देने के बाद रोटेट का प्रोसेस आपको कर लेना होगा, ठीक है। रोटेट करने के लिए आपको देखिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ से सेकंड वाले रोटेट मिलता है ना, तो रोटेट से आपको इस तरह से कर देना है, ठीक है। और रोटेट हो गया, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस वीडियो पे हम लाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। सो गाइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसी पर आपको क्लिक करना देना है टेम्पलेट वीडियो पर, देन यहाँ से इफेक्ट वाले पर क्लिक करना है, एड इफेक्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्रोमा की पे क्लिक कर देना है, ठीक। क्लिक किए और यहाँ से केक कलर जो आपको ग्रीन दिख रहा था इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से ले लेना है वाइट ले लिए, तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है, देख लीजिए आपको। तो मतलब ये टेम्पलेट को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, ठीक है। तो बड़ा कर लीजिए, यहाँ से छोर को पकड़ के इस तरह से बड़ा कर लीजिए। तो इतने पर मैं रखना चाहता हूँ, देख लीजिए मतलब कुछ अच्छा चलेगा ना, देख लीजिए चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है। तो आप लोग मुझसे बेहतर एडिटिंग करेंगे भाई लोग, तो अभी थोड़ा मैं बता रहा हूँ ना, तो जल्दबाजी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतने पर मान लीजिए कि मैं रख दे रहा हूँ, ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे आपको देखिए दो लाइन मिल जाता है, ठीक है, मतलब जितने मटेरियल का यूज होता है तो उतना मिल जाता है यहाँ पर। तो ये आपको बारी बारी से मतलब लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि देर देर से। तो देखिए मैंने एक पे प्रेस किया तो कुछ इस प्रकार से, फिर सेकेंड वाले पर क्लिक कर देना है, सॉरी इसको नीचे लाते हैं, फिर सेकंड वाले पे, तो ये हो गया। और ऊपर के साइड में यहाँ देखिए, ये बाबू तू नीचे रहना, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड वाला, ये लास्ट वाला, ये डिलीट के बगल में ये जो आपको मिलता है ना, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। क्लिक किए तो ये एक लेयर में पूरा बन जाता है, नीचे देख लीजिए एक लेयर में पूरा बन जाता है, और मतलब यहाँ मतलब जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना है, फिर से प्लस के मार्क पे क्लिक कर देना है, देन इमेज एंड वीडियो पे आ जाना है, और यहाँ से एक इमेज को लगाना है जो कि अपने मतलब बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं आप लोग, यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं लगाना चाहता हूँ, सो गाइज कौन सा लूँ इमेज, यहीं वाला मान लीजिए कि क्लिक कर लेता हूँ, यहीं वाला, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतने पर मैं मान लीजिए कि रख लेता हूँ, ठीक है। सो गाइज
इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से इस तरह पकड़ के, ठीक है। तो बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए कि जितने सेकंड का, यहाँ से 20 सेकंड पे कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। देखिए भाई थोड़ा शोरगुल हो रहा है यार, ठीक है। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे आपको, ये वाला नीचे के साइड में ये जो दिख रहा है ना, इस पर लॉन्ग प्रेस यानी देर से प्रेस करके ऊपर के साइड में ला कर छोड़ देना है। तो ये वीडियो हमारा देखिए ये ऊपर दिखने लगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये चलना प्रारंभ हो रहा है। तो इसी तरह करना है आपको, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक आपको चमत्कार बात बता दे रहे हैं, क्या करना है कि ये वाला फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक हो जाए बाबू, क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको इफेक्ट वाले पे आ जाना है और यहाँ से एड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर सर्च करेंगे ना, RGB तो आपको मिल जाएगा, तो यही है। तो RGB पे क्लिक करके यहाँ पे जी है तो बी पे कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से चलना प्रारंभ हो जाएगा, देख लीजिए। और इसको चाहें तो आप पकड़ के ये जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट वीडियो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे यार। सो गाइज क्लिक हो जाए बाबू, हाँ क्लिक हो गया। और इसको आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा कर लेते हैं, हाँ हम देख लीजिए, मतलब दोनों फिंगर से इसको आपको बड़ा छोटा कर लेना, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इतने पे, मैं इतने पे ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं इसमें करना चाहते हैं हम। और आप सुन सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से चलता है, मतलब अच्छा चल रहा है ना। और यहाँ पे आपको चार चांद लगाने के लिए आपको क्या कर देना है, प्लस के मार्क पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में आ जाना है और यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को ले लेना है, ठीक है। जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी ले लीजिएगा, यहाँ क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं, ठीक। और इसको भी फुल स्क्रीन में पूरा कर लेना है पकड़ के छोर, ठीक है। ये वाला छोर को पूरा इस तरह से कर लीजिएगा, हो गया। हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ब्लेडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको लाइटन पे क्लिक करना है, सेकेंड वाले पे, ठीक। सेकेंड वाले पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में एक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, तो स्क्रीन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग सुन लीजिए कैसा लग रहा है, देख लीजिए। शुरू से चला दे रहे हैं फिर से। सो गाइस हरिया बाबू जी, मतलब अच्छा लग रहा है। तो जिस भाई साहब का कमेंट होगा, तो मतलब कमेंट किए थे कि इस प्रकार का एडिटिंग कीजिए, तो देखिए भाई साहब आपके लिए ला दिए, बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अगर कोई प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं उस प्रकार के वीडियो लाऊँगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर होंगे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।